नमस्कार। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर खरगोन से है। बरूड थाने के खरगोन देवली रोड पर 4 से 5 हमलावरों ने किसान को चाकू मारकर घायल किया है। चाकू किसान की गर्दन के पीछे से फंसा हुआ था और किसान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल इसी तरह से लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। किसान मौत से संघर्ष फिलहाल कर रहा है। किसान की गर्दन से लगातार खून बह रहा है। घटना करीब रात 8 बजे के बाद की बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि किसान दशरथ देवली मार्ग पर खेत में काम कर रहा था और इसी दौरान बदमाश यहां पर पहुंच गए, इस व्यक्ति पर हमला कर दिया। तो आपको बता दें कि खरगोन में ये पूरी वारदात का होना सामने आया। विवाद का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि क्या पहले कोई आपसी रंजिश रही जिसके चलते बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक अपडेट के तौर पर यही सामने आ पाया कि किसान की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ ये व्यक्ति। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विचलित करने वाली ये तस्वीर, इसलिए साफ तौर पर दिखाना संभव नहीं हो पाएगा। पीछे चाकू फंसा रह गया जब बदमाशों ने हमला किया, उसके बाद इसी हालत में प्राथमिक उपचार और इंदौर के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बेहद गंभीर स्थिति में किसान फिलहाल, बदमाश चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। जैसे ही आसपास लोगों को सूचना मिली, पुलिस को इस बारे में खबर दी गई और अब पुलिस बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है, पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किस विवाद के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम देना सामने आया है। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी से लेकर सामने नहीं आ पाई। इसे कि आशुतोष से हम पूरा घटनाक्रम समझेंगे। आशुतोष, क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर और अभी तक क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? रोबंतिका, मैं बताना चाहूंगा, ये बरूड थाना है, खरगोन के पास ही देवली गांव है। एक देवली रोड पर ये घटना हुई है। किसान जो है अपने खेती कर रहा था, इस दौरान कुछ अज्ञात बदमाश पहुंचते हैं, 4 से 5 बदमाश बताए जा रहे हैं और चाकू से हमला किया। अब कारण अभी फिलहाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों मारा गया, लेकिन आप न्यूज 18 के विजुअल में देख सकते हैं किस प्रकार से किसान दशरथ पटेल है, जिसकी उम्र 38 बताई जा रही है। वो आनंद भंडारी एक खेत जिनका है, उनके साझे पे खेती करता था, मतलब किसान था, और उसकी गर्दन पे चाकू मारा गया। जिला अस्पताल लाया गया था यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद, क्योंकि उसकी गर्दन पे सीधा चाकू लगा, लगातार खून बह रहा था, उसको इंदौर रेफर किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ कि विवाद हुआ था कि क्या कारण है, लेकिन किसान को जिस प्रकार से चाकू मारा गया है, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि गंभीर हालत में उसको इंदौर रेफर किया गया। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं गरियाबंद से अगली बड़ी खबर है, जहां युवक युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। साईं मंदिर के पास पहाड़ पर लाश पाई गई है। फांसी पर लटके हुई दोनों की लाश देखी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में लगातार जुटी हुई है। खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि इस पूरी घटना का वजह क्या कुछ है, कारण क्या कुछ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि एक युवक थी यहाँ पे साईं मंदिर गलियाबंद के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर में लाश मिली हुई है फांसी लगा के। तो उसके लिए तस्दीक ले आए हैं, अभी उनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, अभी जांच जारी है। होना हो बहुत जल्दी दोनों की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, फिर आगे के कारण आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये लाश कितने दिनों का लग रहा है? ये लगभग 24 घंटे के अंदर की है। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां खेतों में भीषण आग फैल चुकी है। कई एकड़ में आग लगातार बढ़ती जा रही है। पराली जलाने के लिए आग लगाई गई थी, जो कि मना किया जाता है प्रशासन की तरफ से भी। कई बार गुहार लगाई गई, अपील की गई किसानों से कि इस तरह से पराली ना जलाएं। अब इसका असर आप देखिए कि खेतों में भी आग फैलती जा रही है। शहर से लगे सहरा डबरी गांव की पूरी घटना, और अब ये खतरा भी मंडरा रहा है कि कहीं रहवासी क्षेत्रों की ओर ये आग ना बढ़े। बड़े नुकसान की आशंका है, इससे फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। तस्वीरें धमतरी की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगली खबर बलरामपुर से है, जहां सेमर सौत अभ्यारण्य के जंगल में भीषण आग लग गई। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। वन्य जीवों के सामने खतरा मंडराने लगा है। अभ्यारण्य क्षेत्र के कदौरा रेंज के जंगल में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम तमाम मशक्कत करते हुए, तस्वीरें आप देखिए, बलरामपुर के सेमर सौत अभ्यारण्य की तस्वीरें। जंगल में अचानक से आग धधकी और उसके बाद बढ़ती चली गई। वन संपदा को भारी नुकसान होने की आशंका, अभी तक इस आग को बुझाया नहीं जा सका है। वन विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
और धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। शहर के बीचों बीच स्थित भगत चौक, यहां पर ये दुकान मौजूद है। इस दुकान में भीषण आग लगी और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तस्वीरें आप देखिए, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। सभी सामान जलकर नष्ट हो चुका है। और अब अगली खबर जबलपुर से, जहां राइस मिल में भीषण आग लगी। पाटन स्थित राइस मिल में आग की जानकारी सामने आई। आग से लाखों रुपए की मशीनें और चावल जलकर राख हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, काबू पाया गया आग पर। राहत भरी बात यही कि राइस मिल में जितने कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें कुछ नहीं हुआ है, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन 50 लाख के सामान का नुकसान हुआ है। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सट्टेबाजों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। इंटरस्टेट सट्टा संचालकों पर यह बड़ी कार्रवाई। राजधानी से 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2,80,000 रुपए जब्त किए गए। महाराष्ट्र, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ से सट्टे का संचालन किया जा रहा था। luckybook.com और James777 ऐप, इससे संचालित किया जा रहा था यहां पर सट्टे का पूरा खेल। ऑडियो मिक्सर मशीन भी जब्त हुई है। माध्यम से सूचना मिली थी कि वो घर आया हुआ है, जिस पर एडिशनल एसपी डीसी पटेल और दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम जो है उनके घर पे भेजी गई थी। और जब घर को सर्च करने के बाद जो है मन्नू नत्थानी को पकड़ा गया, और उस मन्नू नत्थानी को पकड़ कर जब पूछताछ प्रारंभ की गई तो उसने बताया कि वो ऑनलाइन सट्टे का संचालन करता है, कुछ तो टेलीफोनिक माध्यम से भी करता है और कुछ ऑनलाइन आईडी देकर भी करता है। तो उसकी निशानदेही पर ये एक मिक्सर मशीन है, 14 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक मैकबुक और 2,80,000 रुपये जब्त किए गए हैं। साथ ही उसने बताया कि आईपीएल सीजन के दौरान भी वो सट्टे का संचालन उसके द्वारा किया जा रहा था। वो अलग अलग राज्यों में सट्टे का संचालन करता है और जो उसके फ़ोन से डाटा जब्त किया गया उससे लगभग 20 करोड़ रुपए के लेन देन की हम लोगों को जानकारी मिली है, जो कि अलग अलग नामों से उसमें तो कोड वर्ड में लिखे गए हैं जो पूरे आईपीएल सीजन के दौरान उसके द्वारा संचालित किया गया है। तो उस पर आईटी एक्ट की धारा 66D और जो नया सट्टा एक्ट है की धारा 6 और 7 के तहत जो इसमें अपराध दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है और इसे अभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की जान चली गई। उल्ला के लटर्रा का ये पूरा मामला, पुलिस ने बच्चों के शव को बाहर निकाला है। तालाब में दोनों बच्चे नहाने के लिए सुबह गए थे, लेकिन जब लौटे नहीं तो परिजनों को शक हुआ। फौरन पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस जब तालाब पर पहुंची तो दोनों के शव वहां पर देखकर हैरान रह गए। 2 सगे भाई जिनकी इस घटना में मौत हुई। और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां भाटापारा में चाकूबाजी की वारदात एक बार फिर से सामने आई। युवाओं के बीच चाकूबाजी हुई है। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चाकूबाजी की घटना से भाटापारा में अब दहशत का माहौल है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस को सूचित किया गया है, आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई। उधर 15 मई से छत्तीसगढ़ के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व संबंधी काम ठप पड़े हुए हैं। राजस्व विभाग के अति आवश्यक कार्यों में बाधा को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाया था। एस्मा को लेकर जारी हुआ आदेश, लेकिन इसके बावजूद पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। एस्मा लगाए जाने से नाराज प्रदर्शनकारी अब कॉपी जलाते हुए नजर आए इस आदेश की। मांगे पूरी नहीं हुई तो इसी तरह से उग्र आंदोलन होगा, इसके भी संकेत है। कि इनके आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पे एस्मा लगा दिया गया है। अरे जितना देर एस्मा लगाने में किए हैं उसी को अगर संज्ञान में लेकर के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं तो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश के पटवारी क्यों आंदोलन पे हैं। इनके जो मांगे हैं बहुत साधारण सी मांगे हैं। इनकी मांगे हैं भाई स्टेशनरी भत्ता दिया जाए, कंप्यूटर उपलब्ध कराई जाए। बिना कंप्यूटर उपलब्ध कराए, बिना स्टेशनरी भत्ता दिए आप उनसे काम ले रहे हैं, तो भाई इसको संज्ञान में लेकर इनकी मांगों को तत्काल पूरी करनी चाहिए। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों के रायपुर दौरे पर है और रायपुर के सर्किट हाउस में प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक कर रही है। प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने और राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर 2 दिनों तक बैठक होगी। बैठक में जमीनी स्तर पर जितनी भी तैयारियां हैं, संसाधन है और प्रशिक्षण है, इस पर मुख्य तौर पर बात होनी है। Yeah.
8 और 9 तारीख को राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर्स और एसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज है इनका इलेक्टोरल मैन मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से है, वहाँ पर इलेक्शन को लेकर के क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाहे वो पोलिंग स्टेशन हो, चाहे पोलिंग पार्टीज हो, चाहे ईवीएम हो, वीवीपैट का संधारण है, स्ट्रांग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन है और पूरे इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन के दौरान क्या रहेगा, इसकी समीक्षा ईसीआई का डेलीगेशन लेगा। और छत्तीसगढ़ में अभी लू जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश भर में अगले 2 से 3 दिनों तक लू जैसे हालात बने रहेंगे, इस बारे में जाहिर की गई संभावना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और अगर मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्य तौर पर हम बात करें तो गर्मी लगातार बढ़ती हुई। इस दौरान चक्रवात बीपार जॉय का असर नहीं दिखेगा, इस बारे में भी संकेत है। 4-5 दिन के बाद बारिश की संभावना जाहिर की गई है। चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा, ये जो है अगले 3 दिन में ईरान और पश्चिम पाकिस्तान तट पर टकराने की संभावना है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की मौसम है, ये हॉट वेदर कंडीशन जो है अगले 3 दिन तक जारी रहेगा और पानी की संभावना बहुत कम है। कुछ जगह छुटपुट पानी गिर सकता है, तेज़ हवा चल सकती है, लेकिन उससे तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लू जैसे हालात, हाँ लू जैसी स्थिति बनी रहेगी 3 दिन तक कुछ कुछ स्थानों में। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी साझा की गई। कल 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, बालोद, कवर्धा और बिलासपुर जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जहां पर शिरकत करने वाले हैं। कल आपको बताएं कि कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा जाएंगे, साथ ही साथ बालोद और बिलासपुर जिले का भी दौरा करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कवर्धा दौरे को लेकर विस्तार से जो कार्यक्रम सामने आए ये भी आपको हम बताएं। सीएम भूपेश बघेल कवर्धा जिले के दौरे पर 1,40,50,00,000 की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे। 24 ऐसे विकास कार्य हैं जिनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों होना है, साथ ही साथ कुर्मी समाज के सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का काम कर रही है। बस्तर और बिलासपुर के बाद अब दुर्ग संभाग में कांग्रेस ने सम्मेलन किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। संभागीय सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को कई सारे टिप्स दिए हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है, कहा है कि दुर्ग संभाग में भी 20 में से 200 सीटें जीतेंगे। संभाग से मैं आता हूं और इस संभागीय सम्मेलन को संबोधित करने आदरणीय शैलजा जी, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय चरण दास मोहन जी जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो पधारे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा समय इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया और निर्देश भी दिए, जानकारियां भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कार्य करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार बनी। और अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री खुद हैं और यहाँ का कार्यकर्ता पूरे जोश में है, यहाँ काम किया है। पहले भी हमें 20 में से 17 फिर 18 सीटें यहाँ से जीत कर दी हैं और आने वाले समय में, क्योंकि ना केवल दुर्ग संभाग में लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है बघेल जी के नेतृत्व में, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। तो आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने चुनाव से पहले मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड भी मांगा है। मंत्रियों से 4.5 साल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। पूछा है कि 4.5 साल में मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है, इस पर जानकारी पेश करें। मीडिया और सोशल मीडिया की भी जानकारी मांगी है और कुमारी शैलजा मंत्री के परफॉर्मेंस पर अब आकलन करने वाली है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि प्रभारी हैं इसलिए जानकारी लेना उनका काम है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मंत्री का रिपोर्ट कार्ड नहीं, मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए।
है। अधिकांश विधायकों के रिपोर्टदार बहुत अच्छे हैं, किसी किसी विधायक के भी कुछ कमजोरी है तो 4 महीना भी समय है और उसके बाद पार्टी तय करेगी, हाई कमान तय करती है, सारे हम लोग रिपोर्ट देंगे। शैलजा जी यहाँ लगातार हैं, वो हर विधानसभा जा रही हैं, हर जिले, हर संभाग, हर विधानसभा में जाएंगी, तो वो सब चीज़ें वो देखेंगे। सर्वे भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबके व्यू ले जाएंगे और उसके बाद फिर बड़े सोच समझ कर किया जाता है। पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक MLA का आकलन किया जाता है, उसके कार्य का जमीन पर क्या काम हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम। अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों के क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना, 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया, कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और खराब। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।